नमस्कार, हम आज फिर हाजिर हैं आपके पास जम्बे लेसन लेकर। तो पहले लेसन में आपको बताया गया है जम्बे पे हाथ कैसे रखते हैं, जम्बे बजाया कैसे जाता है, बेस है, टोन है, स्लैप है, ये सब बताया गया है। दूसरे में भी बताया गया है, सिक्स बीट के बारे में बात हुआ ही। तीसरे में जो हम बताए थे बेसिक चीज़ें काफ़ी बताई गई हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो जो अभी आज हम बताने जा रहे हैं वो आप अच्छे से बजा पाएंगे। जो नहीं फॉलो कर पाए हैं वो इस वीडियो को समझने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो, चाहे और भी जो भी नंबर्स हैं उनको प्लीज़ कृपया देख लें। तो अभी जो आज है वो भी वही उस रिदम का वेरिएशन है ये। और जैसे हम तबले में पलटा करते हैं, हम ये उसका पलटा बना कर लाए हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसको किसी और ने हमको नहीं बताया है। और हमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसे लगता है कि अगर हम इसके पलटे इस तरह से बना कर रियाज करते हैं तो हमारा जम्बे का हाथ और जम्बे दोनों अच्छा हो जाएगा। और हाथ में जो फ्री हाथ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी परकुशन इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ढोलक का अपना तरीका है, तबले का भी अपना एक अलग तरीका है, जम्बे का भी एक अपना अलग तरीका है। तो हर जो इंडियन परकुशंस हैं उसके जो अलग हिसाब किताब बने हुए हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। जम्बे में भी ऐसा ही है, हमें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने इस चीज़ को बनाया है, आप सुने और इसका रियाज करें। सो बताने वाले हैं, ये पहले बता चुके हैं, तो अभी जो बताने वाले हैं वो ये है। सॉरी, ये पहला वाला, दूसरा, इसके बाद आप कर सकते हैं क्या, बता चुके हैं कि हम जंबे पे जो जो जंबे का जो रूल है उसमें राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट एक साथ नहीं बजते हैं, हमेशा राइट लेफ्ट ही चलते हैं। तो इस वजह से गुण 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 इसको फिर से एक बार स्लो स्पीड में बताते हैं आपको। पहला जो वेरिएशन है वो ये है। आप लोगों को इसका नाम भी पता होगा कि हाँ हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। वैसे तो इसको बेस टोन स्लैप बोलते हैं, लेकिन जम्बे के लैंग्वेज में जो सेनेगल में बसता है उसके लैंग्वेज में बोलते हैं गुंदुन गो दो पा ता गो दो। सो गुंदो गो दो गो दो गुं गो गो दुम पा दुम गो गो दुम गो गो दुम पा दुम गो गो दुम गो गो दुम गो गो पा दुम गो गो दुम गो गो दुम गो गो दुम। दूसरा वाला, देखिए एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये रिदम बहुत तेज नहीं बजता है। जैसे कि हम ये बजाना चाहें तो इसका जो रिदम सेंस है वो मर जा रहा है, इसलिए इसका एक स्पीड है जो उस स्पीड में ही बजेगा।
में ही बसता है ये। अब इसका जो वेरिएशन करना है ध्यान रहे, हमें इसे बहुत तेज नहीं बजाना है, हम इससे स्पीड तक बजा सकते हैं, इसके नीचे बजा सकते हैं। तो इसका जो एक जो रिदम का जो सेंस है वो बना हुआ है और वो चलता रहेगा, आप लोग मजा लेते रहेंगे, बजाते भी रहेंगे और नाचते भी रहेंगे मन ही मन में। तो अभी अगर कोई कंफ्यूजन होगा प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, चीज़ें आपको और जो जाननी है वो हमें बता सकते हैं। जम्बे ये अफ्रीका का है और हमने इसको अफ्रीका से मंगवाया है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो लकड़ी वकड़ी है सब वहीं बनी हुई है, सब कुछ वहीं तैयार हुआ है। तो बाकी और जो जानकारी चाहिए आपको जम्बे के बारे में कृपया हमें आप कमेंट में लिखें और हम आपको जल्दी मिलेंगे दूसरा लेसन लेके। नमस्कार, धन्यवाद।